बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ और सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आज एक एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो पेज नंबर 87 पे है। तो बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स। फाइंड द प्रोडक्ट्स, तो इसमें एक पार्ट है हमें 400 × 4 आप रफ पे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट्स, 400 × 4 है हमें। तो 400 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। किसे करना है बेटा? 4 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 0 4 × 0 4 4 = 16। ठीक है बेटा। तो जो इसका जो पहला पार्ट, जो इसका जब हमने प्रोडक्ट किया, इसका 400 को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो उसका आंसर आएगा 1600। कितने? ठीक है, 1600। 4 × 0 = 0 4 × 0 = 0 4 × 4 = 16 4 × 4 = 16। शाबाश। तो इसका बेटा हमें बी पार्ट है, और 2 × 0 4 × 0 बी पार्ट है, 2 × 0 4 × 0 2। तो बेटा इसको हमने किया है 2 × 0 = 0। ठीक है बेटा, 2 × 0 = 0 2 × 4 = 2 को मल्टीप्लाई करने हैं पहले, किससे करने हैं? 0 से, फिर 4 से, फिर 0 से, फिर 2 से। पहले हमने किया है 2 को मल्टीप्लाई किया है 0 से। ठीक है, 2 × 0 = 0 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 2 × 0 = 0 2 × 2 = 4। बेटा जिसको भी मतलब ये मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं 0 से, तो वो तो 0 ही बनता है। ठीक है, हाँ, तो 2 × 2 = 4। ठीक है बेटा। तो बेटा इसका सी पार्ट है हमें, सी पार्ट है हमें 3 × 0 = 1 × 3 × 3 यानी कि 0 × 3 × 0 = 1 को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना हमें किससे? 3 से करना है। ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे किया है ये 3 × 1 = 3। ठीक है बेटा, 3 × 1 = 3 3 × 0 = 0 फिर हमें किसे करना है मल्टीप्लाई करने? 3 को करने है, पहले हमने किया है 3 को 1 से, 3 × 1 = 3 फिर हमें 0 को करना है 3 से, 3 × 0 = 0 3 × 0 = 0 3 × 3 = 9 तो बेटा इसका आंसर बनता है 9003। ठीक है बेटा। तो इसके बाद है हमें डी पार्ट है इसका, डी पार्ट है इसका हमें 1024 × 3 0 × 3 0 यानी कि 1024 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसे? 30 से, 30 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो पहले हमने किया है 0 से मल्टीप्लाई किया 4 से, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसको किसी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से वो 0 ही बनता है। ठीक है, तो 0 × 4 = 0 0 × 2 = 0 0 × 0 = 0 0 × 1 = 0 ठीक है बेटा। तो हमने पहले 0 से किया, अब हमें किसे करना है? 3 से करना है। ठीक है, 3 से करना है किसको हमें? 4 से। 3 × 4 = 12 2 × 1 हुआ कैरी। ठीक है, 3 × 4 = 12 1 हुआ कैरी। 3 × 2 = 6 6 और कैरी का 1 कितना हुआ? 7 कितना हुआ? 7 3 × 0 = 0 3 × 1 = 3 तो बेटा जब हम दो डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में हम इसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 0 0 ही हुआ, 2 + 0 हुआ 2, 7 + 0 हुआ 7, 0 + 0 हुआ 0, 3 + 0 हुआ 3। ठीक है बेटा। तो ये हमने किए हैं कितने पार्ट? 4 पार्ट्स के, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट किया हमने। ठीक है बेटा। बेटा इसी तरह इसको और पार्ट है, ई और एफ पार्ट है बीच में, हाँ। ई पार्ट है 1 4 1 3 × 9 9 0 × 90 है, यानी कि 1 4 1 3 को मल्टीप्लाई करना है 90 से, 9 0 90 से। ठीक है, तो इसका एफ पार्ट है हमें, 1 8 4 8 आप इस पे भी दे सकते हो, बुक पे भी, 1 8 4 8 × 70 × 70 यानी कि 1 8 4 8 को मल्टीप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट करने हैं 70 से, है। ठीक है बेटा, ये तो ये जो दो पार्ट है ये आपको घर के लिए होमवर्क है, आप इनको इसको आपको ये खुद करना है। ठीक है, ये होमवर्क हुआ, तो कल हम करेंगे
कल हम अगले क्लास में हम इसके और दो तीन पार्ट्स करेंगे, जी एच और आई पार्ट्स, वह हम खुद ही करेंगे, ठीक है। आप ये जो दो पार्ट्स है और एफ ई आपको होमवर्क के लिए है, तो आप ये दो पार्ट्स खुद करना है, ठीक है बेटा। ओके, खुदा हाफिज़।